हाटपिपलिया विधानसभा मुख्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश चुनाव अभियान प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया की आम सभा हुई। सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज हाटपिपलिया के मेला ग्राउंड पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सड़क, बिजली, पानी, किसानों की समस्या व युवाओं को रोजगार के मामले में शिवराज सरकार को जमकर कोसा और विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी गिर नहीं, लेकिन हाटपिपलिया का जन जन का प्रत्याशी नौजवान मनोज चौधरी। कहना चाहते हैं आप इस संबंध में? यहाँ पर जो ऐतिहासिक भीड़ हुई है, ऐतिहासिक सब साथी लोग आए, उनका कोटि कोटि हृदय से, दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे निवेदन भी करता हूँ कि उनका इतने आशीर्वाद और सहयोग मुझे 28 तारीख को भी चुनाव के समय पंजे पर मोहर लगाकर मिले, यही उनसे निवेदन करता हूँ।